हेलो दोस्तों, डेमो चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का वो भी बटन दबा दीजिए, ताकि उससे क्या क्या होगा, आपको नए नए वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो की तरफ से। जी हाँ, ओप्पो ने अपना R17 प्रो नाम से मोबाइल लॉन्च कर दिया है। तो वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, पर पता चला है कि चाइना में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और इसमें आपको जो अभी सभी मोबाइल में आ रहा है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, यानी कि डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, वो पीछे की ओर नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन के अंदर ही मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी नॉच बहुत बढ़िया है, जो वाटर ड्रॉप वाली है। ये ओप्पो की तरफ ब्रांडिंग है, तो देख सकते हैं इसको फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको सेंसर मिल जाएगा। और देखिए पीछे के लुक, और ये अच्छा बढ़िया कलर है, बहुत बढ़िया है। इसमें आपको कैमरा का सेटअप मिल जाता है, और ये लाइट और ओप्पो की ब्रांडिंग। तो इसमें आपको एक फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और इसकी साइट से हमें पता चला है कि करीबन इंडिया में इसकी प्राइस करीबन 30 या 35 के अराउंड हो सकती है। और इसका एक 8GB रैम वाला स्टोरेज 128GB का मिलेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है उसकी 6GB की कीमत है करीबन, वो भी 30 या 32 के अराउंड हो सकती है। और इसकी अभी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और लगभग शायद इंडिया में या फिर वहाँ पे 30 अगस्त से लगभग ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगी। भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे या फिर कहाँ पे शुरू होगी, तो ये है। और इंडिया में अभी कब आएगा इसका अभी कुछ पता नहीं है, और जैसे ही आता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को पूरे। और आगे की बात करें तो हमारे पास, हम इसकी अगर ओरियो आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें 6.4 का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाता है, और इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर भी, 710 का प्रोसेसर भी मिल जाता है आपको। और अगर कैमरा में बात करें तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग फीचर के साथ आता है, 12 मेगापिक्सल और दूसरा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, और AI का मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो करीबन 3000 या फिर यहाँ 3000 के करीब आपको बैटरी मिल जाती है देखने को, तो आपको एक या डेढ़ दिन पूरा निकाल ही देगी। और मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। ये देखिए हमारे इमेज में, देखिए यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये तीसरा सेंसर क्या है अभी कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखते हैं अभी ओप्पो क्या लेकर आता है इस तीसरे सेंसर में। तो अगर ये इंडिया में आ गया और जल्दी आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर प्राइस थोड़ी इधर उधर हो जाती है कम तो इंडिया में बहुत ही अच्छे से इसका मार्केट बन सकता है। तो ये ओप्पो R17 प्रो को लेकर कुछ अपडेट थी, तो ये क्विक रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिल गया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको हमारी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। और आपका समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं मिलता हूँ आपको हमारी अगली नई वीडियो में, तब तक गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।